जिले के अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली जी और यहाँ के उपमहापौर पारस सिंघवी जी आए, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई माता और बहनों, मैं आपके सामने इतना कहना चाहता हूं कि आप इस यात्रा का उद्देश्य सभी समझ गए होंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2014 के बाद देश में ऐसी क्रांति पैदा की कि जो लोग गरीबी मिटाने का नारा देते थे, सिर्फ वो नारा थे और मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जिस काम को किया है उसको समय पर पूरा किया है, इसलिए कहते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मैं आज इस उदयपुर की पावन धरती पर जहां भगवान जगदीश जी विराजमान है, भगवान सहस्त्रभाव जी और एकलिंग जी की आप सभी पर कृपा है, मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। यह झीलों का शहर है, निश्चित रूप से यहां की सुंदरता पूरे प्रदेश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी आभा बिखेरे हुए है। यहां का गौरव और शौर्य जब हम नाम लेते हैं महाराणा प्रताप का, तो निश्चित रूप से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे सूरवीरों की यह धरती, और यहां यही नहीं, दुनिया भर के लोग यहां आते हैं और पर्यटन की दृष्टि से हमारी ये उदयपुर नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। आज गिरवा के उदयपुर में विकसित भारत संकल्प शिविर में पधारे हुए सभी ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचे, आम जन तक उसका लाभ भी पहुंचे, और इस अभियान की विशेषता है जो हमारी योजना है, लगातार जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो, उन योजनाओं का जानकारी भी हो कि वो योजना किस तरह से चल रही है। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोई भी गांव में पात्र व्यक्ति, वंचित व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन योजनाओं से रह ना जाए। आज इस शिविरों के माध्यम से हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक मिले और उसकी क्रियान्विति इस शिविर के माध्यम से 100% हो, कोई भी व्यक्ति रह नहीं पाए, ये इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है। ये यात्रा प्रदेश के ही नहीं, देश के हर कोने में यात्रा जाएगी और ऐसे जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है उनको इस योजना का लाभ मिले, ऐसी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उदयपुर जिले में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति 6 जनवरी तक की जो प्रगति है वो इस प्रकार है। उदयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत ही उत्साह के साथ निकली है, बहुत ही मन के साथ जनता ने इसमें हिस्सा लिया है। अभी तक 279 शिविरों में करीब 3,73,000 लोगों ने इस
उदयपुर के अंदर हिस्सा लिया है। करीब 1.5 लाख लोगों को स्वास्थ्य कैंप में जांच का फायदा मिला है। करीब 1,10,000 लोगों की टीबी की जांच इस कैंप के माध्यम से हुई है। करीब 7,000 आयुष्मान कार्ड बनने का काम इस कैंप के माध्यम से हुए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 6,000 से अधिक लोगों को जोड़ा गया है। उज्ज्वला योजना में 5,000 से अधिक लाभार्थी इसमें जोड़े गए हैं। करीब 18,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया है। मेरा भारत स्वयंसेवक में करीब 11,000 पंजीकरण हुए हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति, प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कई मामले देश में प्रथम स्थान पर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 7,402 स्थानों को यात्रा के तहत कवर किया जा चुका है। हमने शिविरों में 3,51,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं, जो देश में हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है। इसके माध्यम से हमने पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम देश में पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों के माध्यम से लगाए जा रहे स्वास्थ्य कैंप में बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य कैंप में करीब 28,62,000 लोगों को टीबी जांच की गई है। इस मामले में देश में हम पहले नंबर पर हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन कैंप में अब तक करीब 47,40,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इस मामले में भी हम देश में पहले नंबर हैं। पीएम सुरक्षा बीमा में पीएम देश भर में तीसरे स्थान पर है। 1,06,00,000 से अधिक लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं। इस मामले में हम देश भर में दूसरे स्थान पर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार को बने 1 महीने भी नहीं हुआ है, लेकिन मैं राजस्थान में 1 जनवरी 2024 से जो हमने वादा किया, मोदी जी की गारंटी जो हमने आपको दी, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी 450 रुपए में गैस सिलेंडर 1 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। करीब 73,00,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मित्रों, यही नहीं, जो युवा परेशान थे, बार बार पेपर देते थे, पेपर आउट हो जाता था, जो बच्चे पढ़ने वाले थे वो हताश हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने वायदा किया था युवाओं से कि हमारी सरकार आएगी, हम SIT गठित करेंगे, और जिन लोगों ने युवाओं के साथ धोखा किया है, उनके सपनों को चूर चूर किया है, उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने SIT का गठन किया, और SIT के गठन के बाद आप देख रहे होंगे डेली कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने पेपर लीक किया है या पेपर लीक करने में मदद की है। हमारी सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है और उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, और हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हमारी सरकार किसी तरह बख्शेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है। हमने यही नहीं, पेपर लीक के मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को दी है, और मुख्य सचिव के और DG के नेतृत्व में आने वाले पेपरों की हमें कमेटी बनाई है। 2 दिन पहले पेपर हुआ है, आपने देखा होगा कि पहला पेपर हमारी सरकार का था, किसी भी तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, और वही पेपर पूरी शांति के तरह शांतिपूर्ण वातावरण बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। हमने कहा पेपर नकल दोषियों के खिलाफ ट्रायल ली जाएगी। संगठित अपराध उन्मूलन के तहत हमने अतिरिक्त महानिदेशक के नेतृत्व में
एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी हमने निर्माण किया है और उसने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया है। जो आए दिन देखते थे गैंगस्टर आते थे और किस तरह से वो कहीं ना कहीं, कोई बाहर से आता था, हरियाणा से आता था, कोई उत्तर प्रदेश से आता था और प्रदेश के अंदर अशांति फैलाने का काम करते थे। हमने कहा है और हमने टास्क फोर्स का गठन भी किया है और आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, उस क्षेत्र में भी हमारा काम प्रारंभ हुआ है। यही नहीं मित्रों, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई प्रारंभ की थी, वो रसोई हमारे जिन स्थानों पर जहां ऐसे लोग आते हैं, हॉस्पिटल के अंदर, रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड के अंदर, हमने चल अन्नपूर्ण रसोई पिछली सरकार ने हमारे लिए लगाई थी। हमारी वो योजना बहुत ही ऐतिहासिक योजना थी, इन्होंने उसका नाम बदल करके इंदिरा रसोई कर दिया और नाम ही नहीं बदला। आपने देखा होगा उसको ये कर दिया कि 100 लोग सुबह और 100 लोग शाम को, कोई आए या नहीं आए उनका पेमेंट उठ रहा था, धांधली चल रही थी। हमने उसको रोका भी है और हमने उसमें श्री अन्न, जो मोटा अनाज हमारा है राजस्थान के अंदर पैदा होता है, मिनट्स तो एक अच्छे मिनट्स मिलना चाहिए, हमने उस योजना को श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के रूप में संचालित किया है। और ये पहले 450 ग्राम देते थे, हमने उसी पैसे में 600 ग्राम देने का काम किया है। और ये हमारी अन्नपूर्णा माता के नाम से, क्योंकि हम गांव में जाते हैं, आप तो किसान भाई हो, जो गांव में हम जब पहली बार बारिश होती है, जब बोने के लिए जाते हैं तो अन्नपूर्णा माता को याद करते हैं और हम कहते हैं धरती माता से कि मां आप पक्षियों को भी देना, आप पशुओं को भी देना, आप आए वाले अतिथि को भी देना, आए वाले भिक्षु को भी देना, जो भी मेरे दर पे आए उस सभी को देना, मेरे को भी देना, लेकिन मेरे से आने से पहले, क्योंकि हमारी संस्कृति है ये, हमारे विचार में है। हमने उस अन्नपूर्णा माता के नाम से श्री अन्नपूर्णा रसोई का प्रारंभ किया है। ये कभी करते हैं तो राजीव गांधी के नाम से करते हैं, तो कभी इंदिरा गांधी के नाम से करते हैं, तो कभी सोनिया गांधी के नाम से करते हैं। अरे कांग्रेस वालों, सिर्फ एक परिवार को खुशी मत करिए, ये जनता जनार्दन है, ये जनता सब कुछ जानती है, हम जनता के नुमाइंदे हैं, हम इन सारी बातों को भी जानते हैं। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी, और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में एक हम सच्चे नागरिक होने के नाते, एक हम पढ़े लिखे होने के नाते, हम सबका दायित्व बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन ऐसा व्यक्ति रहता है जिसको लाभ मिलना चाहिए, मेरे मोहल्ले में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको लाभ मिलना चाहिए, मेरे पड़ोस में ऐसी कौन सी माता रहती है जिसको स्वास्थ्य की परेशानी है, ऐसा मेरा कौन सा दिव्यांग भाई रहता है जिसको भोजन की परेशानी है। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम ऐसे शिविरों के माध्यम से हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में जो भी ऐसा व्यक्ति है उसको शिविरों में ला करके इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाए। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के मामलों में इस सरकार ने संरक्षण देने का काम किया था, हम आपको बताना चाहते हैं इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, क्या इनके माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुए हैं, हम निश्चित रूप से उनकी जांच भी कराएंगे, अगर दोषी पाया गया
तो उसको इंजाम भी मिलेगा, उसको सजा देने का भी काम हमारी सरकार कराएगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप हर गांव के अंदर जा रहे हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इन कैंपों से कोई भी व्यक्ति पात्र व्यक्ति रह ना पाए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सभी का प्रयास, इस अवधारणा को लेकर के चलते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि मेरा कार्यक्रम कल ही बना था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहने हमारे बुजुर्ग हमारे युवा आप सभी साथी आए, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो वायदे हमने किए हैं तो संकल्प हमने आपके बीच में रखा है, निश्चित रूप से उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। हम ऐसे नहीं है कि हमने जो वायदे किए थे उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए। और आपने देखा होगा कि चुनाव के चार महीने दो महीने पहले गारंटी दे रहे हैं, अरे हमको तो एक महीने भी नहीं हुआ, हमने जो वायदा किए उनको पूरा करने का हमने काम प्रारंभ कर दिया। और हमने एक वायदा किया था 450 में सिलेंडर देंगे, तो 1 जनवरी से सभी को मिलना चालू हो गया। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है और उसी गारंटी के ऊपर पूरे ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर चलाए जा रहे हैं। आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, आप इसका पूरा लाभ लें, सभी पात्र व्यक्तियों को इसको योजना का लाभ दिलवाने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। इसमें एक इसमें आप सभी खड़े होंगे, एक संकल्प है, ये संकल्प मैं आपको दिलाना चाहता हूं। अपना हाथ आगे निकालेंगे, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत प्रत्यक्ष आभार ज्ञापित करने के लिए श्रीमती ममता जी कुंवर जिला प्रमुख महोदया से निवेदन है, सभी का आभार ज्ञापित करें, उसके पश्चात आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज नाई ग्राम पंचायत में इस शिविर में मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब और कैबिनेट मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब और मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ जन और सम्मानित अतिथिगण और सामने विराजी नाई ग्राम पंचायत के ग्रामीण वासी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मिलकर आज के इस शिविर को सफल बनाया और जो भी योजनाएं हैं मोदी जी की वो भी आप घर घर तक पहुँचाए। जय भारत जय।
प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं, अजय जी व्यास, गुरबंद सिंह जी कोठारी, विजय दलाल और जितेंद्र जी आ जाए तलवार।